हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त ही होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। इस रक्षाबंधन की पर्व जो है वर्ल्ड में सब जगह मनाया जाता है, और रक्षाबंधन में भाई और बहन का प्यार को जताया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सो दोस्तों, आज जो है ऐसे ही मैं कोई टेक्स्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में अनबॉक्स किया था ट्राइपॉड का, डिजीटेक का जो कि ट्राइपॉड था उसको मैंने अनबॉक्स किया था। सो दोस्तों, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं जाके चेक करता हूँ तो उस पर दिखाई देता है एक बंदे का कि भाई आप कैमरा जो है कितने में परचेज किए हो। सो दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरा चैनल जो टैक्स से रिलेटेड है, बट मैंने कैमरा परचेज किया हूँ तो इससे कैमरा से रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो मेरे चैनल पर अपडेट नहीं हुआ है, इसका रीज़न है। सो दोस्तों, बहुत सारे सामान है जो कि मैं परचेज किया हूँ बट उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पे अपडेट नहीं किया हूँ, इसका रीज़न है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ परचेज किया रिसेंटली। मैंने मोबाइल परचेज किया रियलमी का, उसका भी अनबॉक्स ना कुछ वीडियो नहीं आया चैनल पे। जैसे कैनन का मैं कैमरा परचेज किया, उसका भी कोई भी वीडियो अपडेट नहीं कर पाया चैनल पे। सो जो मेरा क्लोज है उसको पता होगा कि मैं रॉयल इनफील्ड बाइक भी परचेज किया हूँ, 350 सीसी का रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी का बाइक परचेज किया था मैं कुछ दिन पहले, लगभग 2 मंथ हुआ, उसका भी कोई उससे भी कोई रिलेटेड वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया चैनल पे। सो दोस्तों, अगर आप इस क्लासिक 350 कैनन DSLR कैमरा, उसके बाद मोबाइल रियलमी का, अगर आप अनबॉक्स मतलब इसका रिव्यू देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ज़्यादा जिसका वोटिंग होगा कि कैमरा का भाई, कैमरा के बारे में बताइए कि DSLR आपने कितने में परचेज किया था, उसके बाद क्या क्या फ्यूचर है, आप मतलब DSLR खरीदना चाहते हैं तो अच्छा है कि नहीं, रिकमेंड कर मतलब लेंगे कि नहीं, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो कैमरा के बारे में आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, तो मैं कैमरा का अनबॉक्स सब चीज़ डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि मैं इतना दिन परचेज किया हूँ, लगभग 8-9 मंथ होने जा रहा है कैमरा परचेज करने का, तो उसको मैं चलाया हूँ तो अनुभव इतना तो होगा ही। सो आप ये कैमरा को लेना चाहिए या नहीं चाहिए, आप अगर कमेंट करोगे कि कैमरा के बारे में बताइए भाई मैं लेना चाह रहा हूँ, कैमरा अच्छा है कि नहीं कैनन का, सो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है। सो दोस्तों, रिसेंटली मैंने रॉयल इनफील्ड का बाइक, तो आप जिसको जिसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं अवश्य बताऊँगा उसको, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यही था कि बहुत सारे चीज़ मतलब पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ा तो एक लड़का का कमेंट था कि भाई कैमरा जो कितने में परचेज किया हो। भाई अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करो कि कैमरा का मतलब अनबॉक्स या वीडियो आना चाहिए कुछ कैमरा से रिलेटेड, तो मैं बहुत ही जल्द अपना चैनल पर वीडियो अपडेट कर दूँ। सो दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है, जो कि मैं एक ब्लॉग चैनल खोल रहा हूँ। ब्लॉग चैनल पर हर रोज़ डेली डेली बाय डेली मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, कौन सा काम करता हूँ, उस पर वीडियो अपडेट करूँगा। बहुत ही जल्द ब्लॉग चैनल बना लूँगा, तो जैसे ही बनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें भी आप सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करके रखना, जो कि मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ उस चैनल पर सब चीज़ अपडेट रहेगा। सो दोस्तों, रक्षाबंधन जो है आप आराम से मनाइए, उसके बाद कोई शोर शराबा नहीं कीजिए, रक्षाबंधन को अपना भाई और बहन के बीच में प्यार को बरकरार रखिए। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तक जा सके। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।